गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय एवरेस्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेज बच्चों, आज हम लोगों का जो रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस चल रही है उस पर हम लोगों ने आज फोकस करेंगे और एक सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा साधारण ब्याज को एक चुटकी में रगड़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए और देखिए हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में बच्चे सबसे ज्यादा जो फंसते हैं वो फंसते हैं सिंपल इंटरेस्ट। किसमें जी? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए बहुत कम समय में हम लोगों ने कैसे ग्रुप डी की सिलेक्शन करते हैं और इसमें ज्यादा की आवश्यकता मुझे नहीं है। इसमें आवश्यकता क्या है? तो दो ही फार्मूला पर हम इसको पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्टेड को फिक्स कर देंगे, कोई ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोगों के सिंपल इंटरेस्ट कहते किसको है? साधारण ब्याज। क्या नाम है? साधारण ब्याज। ये देखिए नया साधारण ब्याज कहते किसको है? तो जो मूलधन पर ब्याज मिलती है। किस पर? मूलधन पर। जैसे मैं आप बैंक में जमा किए कितना? 50,000 रुपया। कितना जमा किए जी? 50,000 रुपया बैंक को निवेश किए 2% के ब्याज पर। कितना परसेंट? 2%। तो 2% जो मिलेगी 5,000 का एक साल के लिए, तो वही आपका क्या मिल जाएगा? ब्याज। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्याज। यानी मूलधन पर जो इंटरेस्ट मिलती है, मूलधन पर जो ब्याज मिलती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में मुझे तीन चीज की आवश्यकता है। यह भी ध्यान देना, ब्याज पर ब्याज। कोची पर? ब्याज पर ब्याज जो मिले। कहने का मतलब समझी? कहने का मतलब यह कि एक साल रुपया में, एक साल के लिए मैंने 10,000 रुपया 5% के ब्याज पर दिया, 5 रुपया का दर पर दिया। कितना पर? जब हमारा एक साल बीत गया तो जो ब्याज आया उस ब्याज का पुनः हम लेंगे, जो इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट का पुनः इंटरेस्ट लेंगे, यानी ब्याज पर ब्याज लेंगे, तो हम उसको बोल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोल देंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या? ब्याज पर ब्याज। यानी हम तो सूद लेवे कि एक साल, अब एक साल में जब रिटर्न नहीं करोगे तो तुमको घर बेच के भी देना पड़ेगा, लेकिन हम ब्याज के भी ब्याज लेंगे। सबसे ज्यादा होता है सूद की, कर्ज की पैसा कभी लेने का प्रयास मत करना, सूद का पैसा बहुत खतरनाक होता है। नहीं चुकेगा तो तुम्हारा अंत में घर तक नीलामी हो जाएगा। बैंक से लोन लेते हो और पैसा नहीं जब चुकेगा तो तुम्हारा घर आके नीलामी कर लेगा, ठीक ना। तो हम लोग ब्याज की चर्चा पे हम लोग आते हैं तो देखते हैं, पहला आता है कोची हम लोग का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में छोटी पहला में हम लोग जानेंगे कि पी है। पी क्या है? मूलधन, जिसको बोलते हैं। पी का मतलब क्या होता है छोटी? प्रिंसिपल, मूलधन। कोची, मूलधन। एक हमको मिलता है आर, जिसको बोलते हैं रेट, दर। क्या बोलते हैं? दर। और एक हमारा मिलता है आई, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या ब्याज। क्या बोलते हैं? एक हमारा मिलता है ए, अमाउंट, मिसर धन। क्या इसको बोलते हैं छोटी? मिसर धन। अब यहां देखने की बात यह है कि P से प्रिंसिपल, R से रेट, I से इंटरेस्ट और S से अमाउंट। एक और है नया वर्ड जिसका नाम है टाइम, समय। क्या है? समय। समय।
बात समझ में आई? तो यही समय के हम लोगों ने प्रयोग करेंगे। मूलधन मतलब आप जितना पैसा बैंक में जमा करते हो वो आपका मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन हो गया। और जो बैंक में जितना रुपया के दर से प्रतिवर्ष देते हो वह आपका क्या हो गया? दर हो गया। 5 रुपये देते हो, गांव घर में लगता है ना ब्याज पर लेते हो ना पैसा सूद पर, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये। तो जो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये लेते हो तो कुछ हो गया, दर हो गया। यानी 100 रुपया में 2 रुपया देना है आपको। 2 रुपये के दर से ले रहे हो तो मतलब कितना? 100 रुपया में क्या रुपया देना है? 2 रुपया एक महीना में। क्या महीना में? एक महीना में। तो वह हो गया आपका कौची दर। क्या हो गया? दर। अब यही वही इंटरेस्ट अब 2 रुपया में लिया तो साल भर में कितना रुपया हो गया? वो जो रुपया निकालोगे ना तो वह उसका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। अब एक नया वर्ड आया अमाउंट। ओची तो अमाउंट बराबर हम लोगों ने बोलेंगे कि जो मूलधन है। क्या है? मूलधन। क्या है सविता? ये मूलधन है। तो मूलधन में हम लोगों ने ब्याज को ऐड कर देंगे। किसका ऐड करेंगे छोटी? ब्याज को। तो मूलधन प्लस जो ब्याज होगा यही आपका अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर कौन सी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक हमको मिलेगा एसआई। क्या मिलेगा? एसआई। एसआई बराबर क्या होता है? पी गुने आर गुने टी अबटा में। यही बस यही दो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करेंगे। तीसर का कोई फॉर्मूला हम लोगों ने यूज नहीं करेंगे। कोई नहीं, हम ना एक्स मानेंगे ना 100 मानेंगे, सीधे सीधे हम पूरे के इंटरेस्ट को सिंपल लेके चलेंगे। कहीं कहीं अमाउंट का आपका फॉर्मूला दिखाया जाता है पी प्लस पी आर टी अबटा में 100। यहां से आप पी कॉमन ले लेते हैं 1 + RT बटा में 100। हम लोगों ने इस फॉर्मूला का यूज एकदम नहीं करेंगे। हमें दो ही फॉर्मूला आजीवन में चाहिए। एक हमको अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और एक चाहिए इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटा 100। और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी पर हम लोगों ने पूरा का पूरा किचन को क्या करेंगे? रगड़ देंगे एकदम चोखा की तरह। ठीक ना? चोखा जैसे घर में मैस मैस के खाते हो तो नहीं, और उसे पूरा का पूरा हम लोगों ने एकदम मैस देंगे। चटनी चोखा जितना एक साथ में रिजी बना देंगे। तो ये चीज तो आप लोगों ने समझ लिया। अभी तक कोई डाउट संगीता? कोई डाउट नहीं ना? चलिए तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन कैसे हम लोगों ने डील करेंगे। अब आपके बीच आ गया है रसगुल्ले जैसे क्वेश्चन। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में दो ही फॉर्मूला यूज करना है। एसआई बराबर क्या 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 क्या? एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में 100। एक हो गया। और दूसरा मेरे को यूज करना है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसके सिवाय कुछ नहीं। अब यहां देखो प्रश्न क्या कहती है। कहता है कि एक धन राशि एक निश्चित ब्याज की दर से, किससे? एक निश्चित ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है। स्वयं का 6 गुना का मतलब मूलधन का 6 गुना। एक धन राशि जहां पर बढ़ाए तुम्हें तो उसका मतलब समझना वो मिश्र धन है। क्या है जी? क्या कहेंगे? मिश्र धन। मिश्र धन यानी वह मिश्र धन है। तो यह कहता है कि स्वयं मूलधन का, किसका? मूलधन का। तो मूलधन को अभी मैंने बताया अमाउंट बराबर पी प्लस आई। अब यहाँ पर मूलधन को अपने मन से 1 मानो। कितना मानो? 1। मूलधन को कितना मानो? तो मिश्र धन क्या गुना है? 6 गुना। यानी मिश्र धन कितना मिला? 6। आप बताओ मूलधन 1 मिश्र धन 6 तो ब्याज कितना? 5। 5 आएगा। 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 5। 5 कोई दिक्कत? मिल गया। अब देखो ध्यान से, 5 है इंटरेस्ट दे ले जले। तो अभी मैंने बताया था पी आर टी बटा 100। इसमें ध्यान दो मेरे दोस्त,
वर्ष दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वर्ष। टाइम दिया हुआ है, मान किसका पूछ रहा है? रेट दर का, आर दर। तो रखेंगे पांच बराबर पी का वैल्यू प्रिंसिपल कितना? वन। वन गुने आर कितना? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? क्यों कांस्टेंट? आर का मान निकालना है, आर के मान निकालना है, निकालना है, इसलिए वो क्या है? कांस्टेंट है। फिर क्या है दोस्त? टी time. क्या है? टाइम। टाइम, टाइम कितना वर्ष दिया है? बीस वर्ष। तो गुने में? बीस। अब बटा में? सौ। सौ बीस पच्चे सौ, आर बराबर पच्चीस। पच्चीस परसेंटेज, पच्चीस परसेंटेज आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। सिंपल किचन था। अब आइए नेक्स्ट किचन में। एनटीपीसी ग्रुप डी का किचन आपके बीच में प्रीवियस ईयर है, आरएस अग्रवाल के भी बुक में देखिएगा तो ये प्रश्न मिलेगा मिलेगा। देखिए कई बच्चे इसको कैसे सोल्व करेंगे। कहता है कि किस धन का, धन का मतलब मूलधन, धन का मतलब कौची जी? मूलधन। किस धन का 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में मिश्रधन 7,000 रुपया हो जाएगा? यानी मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन। रेट दिया हुआ है, रेट कितना दे रहा है? 3.9/10/3 परसेंटेज को भिन्न में बदलो। 100। 10 दिया है, 10 दाइया 1/20। अरे अभी अभी मैंने बताया होगा कि यदि दर दे ले रहे 25/100 तो 25×100 1/4 तो इसको मारना है कौन सी? मूलधन। क्या मारना है? मूलधन। मूलधन। अब एक क्या मिलेगा आपका? इंटरेस्ट। ऊपर वाला का इंटरेस्ट और निचला कौन सी? मूलधन। अब इसमें देखो मूलधन कितना? 30। 30 तक अमाउंट बराबर बराबर P+I यही तो बताया था मैंने ना? यस सर। अब मेरे को बताओ मूलधन कितना? 30। चलो यानी 30 यानी एक साल मूलधन जो है 30 रुपया है तो उसको एक साल में कै रुपया मिलता है? 1 रुपया। ठीक ना, 30 रुपया का मूलधन जो है एक साल में कै रुपया मिलता है? 1 रुपया। तो बताओ इंटरेस्ट 1 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 रुपया। कै साल में? एक साल में। कै साल में? अब ये मेरे को बताओ कि कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है? 5 वर्ष। मैंने 5 से 1 में मल्टीप्लाई करूं तो प्लस में कितना? 5। अब इंटरेस्ट कितने साल के लिए हो गया? 5 साल। यानी 5 साल में कै रुपया? 5 रुपया। कै रुपया? 5। अब मेरे को ये बताओ 30 रुपया मूलधन 5 रुपया ब्याज तो मिश्रधन कितना? 35। 35। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ मिश्रधन कितना दे रहे हैं? 7,000। 7,000 तो 35 यूनिट बराबर क्या लूंगा मैं? 7,000 रुपया। कोई दिक्कत? 35×2=70। 200 रुपया 1 यूनिट बराबर। 1 यूनिट बराबर कितना रुपया? 200। आपसे किसका पूछा है? मूलधन। तो मूलधन में 30 से 2 में क्या कर देंगे? गुणा। तो 30×60 कितना? 6,000। 6,000। अगर यही ब्याज पूछता तो 1,000। ब्याज कितना हो जाता? 1,000। कहने का मतलब मेरा यह था कि वह 6,000 रुपया मूलधन ने बैंक में निवेश किया तो 5 साल में उसको कितना हजार रुपया मिल गया? 1,000। तो मिश्रधन कितना? तो 5-7,000 रुपया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ गया ना। तो मूलधन पूछा है तो कितना मारो? 6,000। 6,000 बस समझ आया। चलिए चलिए एक और आ गया आपका आर एस अग्रवाल का थर्ड क्वेश्चन नंबर जो एनटीपीसी में भी पूछा गया है और किरण में भी यही सवाल था। सीजीएल किरण का बुक जो है उसको भी उठा कर देखिएगा, आपका ये प्रश्न मिलेगा। अब एक ही बात सिंपल इंटरेस्ट है तो हम लोग बार बार कहता हूं कि एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब एक इंटरेस्ट बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में 100। ये दोनों को छोड़ना नहीं, ये तुम्हारा पति है तो ये तुम्हारी पत्नी है, ये दोनों पर एक दूसरे पर डिपेंडेड है, इसके बिना कोई बनेगा नहीं। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पति का रिलेशन क्या है कि एफ इज इक्वल टू पी प्लस
आई। अब यहाँ पर हमें देखना है कितने समय में एक धन राशि, कौन सा राशि, धन राशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाती है। अपने का 4 गुना मतलब कौन सी, मूलधन का, कौन सी का, मूलधन का, मूलधन का 4 गुना कौन होता है, मिश्रधन, कौन होता है जी, मिश्रधन, यानी प्रिंसिपल जो होता है अमाउंट का 4 गुना हो जाता है ना। यस सर। तो बताओ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर तुम लोगों ने प्रिंसिपल को क्या मान लेते हो तो अमाउंट कितना, अमाउंट मिलेगा 4। यस सर। और जब अमाउंट 4 मिलेगा दोस्त तो बताओ इंटरेस्ट कितना, 3। इंटरेस्ट कितना, 3। कोई मिल गया, यस सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पर देखो कितने समय में एक धनराशि 12% यानी समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय। इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 3। तो बताओ इंटरेस्ट बराबर, अभी मैंने जस्ट लाइक बताया PRT/100 3 मूलधन कितना, 1 आर 12 टी निकालना है बटा में, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। 3 चौके 12 25 चौके 100 3 से 3 खत्म 3 से 3 खत्म होगा, यस सर। ऊपर ऊपर हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यस सर। तो टी बराबर कितना, 25 वर्ष। चलिए मेरा एक ग्रुप डी के लिए आज इसका लास्ट सवाल था, कलम लास्ट सवाल था, और हम इस पर देखेंगे एक अभी छोटा सा एक टेलर है, बहुत बड़ा जो है अभी नौटंकी बाकी है, हम लोग देखेंगे कि कम समय में रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन को पूरा का पूरा एकदम सटीक जवाब देंगे, एकदम सिंपल और दो ही फॉर्मूला पति सर का कोई अपनाने की मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो चलिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप अपने थंबनेल को दबाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। इसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।